ऐसे कथा व्यास संत से बालक दास जी महाराज मंच पर विराजमान हमारे सभी संतजन, इस सभागार में भी उपस्थित सभी हमारे संतजन, प्रबोधजन और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन और प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। मैं आप सबको इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। एक सप्ताह तक आप सबने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण किया है और वह भी बहुत सरल और सहज भाषा में। संत हृदय बालक दास जी महाराज के श्रीमुख से उनकी कथा आप सबको वर्ष में एक दो बार सुनने का अवसर प्राप्त होता ही है और इस बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहली बार श्री राम कथा के आयोजन के साथ उनको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के लिए उन्हें भी, आने वाले श्रद्धालुजनों को भी और जो यजमानगण हैं उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और कितनी प्राचीन है, इसके पर्व और त्योहार ही इसके उदाहरण है। अनेक पर्व और त्योहार जो भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को उसके इतिहास की किसी न किसी महत्वपूर्ण कड़ी के साथ जोड़ देते हैं। आज वैदिक साहित्य जिस रूप में हम सबको देखने को मिलता है, जिस ऋषि की कृपा से यह सब प्राप्त हुआ, जिन्होंने वेदों को, पुराणों को, अन्य महत्वपूर्ण शास्त्रों को हम सबको उपलब्ध करवाया है, ऐसे जो हमारे ऋषि थे कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनकी जो पावन जयंती है, जो व्यास पूर्णिमा कहलाती है, वही गुरु पूर्णिमा भी है। और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सब आज यहां पर गुरु गोरखनाथ के इस पावन धाम पर एकत्र हुए हैं। कुछ चीजें हैं जो हम सबको जानने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जानता है कि माता पिता किसी भी बच्चे के पहले गुरु हैं, उनका स्कूली शिक्षक, इसके बाद उनका गुरु आता है, पुरोहित उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, बड़ा भाई भी गुरु के रूप में ही पूज्य माना जाता है और ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा भी उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहां हमारे गोत्रों की परंपरा भी उसी के साथ जुड़ जाती है। हम लोग अपने किसी एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षा के साथ भी जुड़ जाते हैं। इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है? एक ही है, जो हमें अच्छे मार्ग पर अग्रसर कर सके। माता पिता बच्चे का सबसे पहले हितेशी होंगे, बड़ा भाई हितेशी होगा, परिवार के बड़े बुजुर्ग हितेशी होंगे, स्कूली शिक्षक हितेशी होगा, पुरोहित कुलगुरु हितेशी होगा,
ऋषि परंपरा हितेशी रही होगी, इसीलिए हमने उसे गुरु के रूप में मान्यता दे करके एक महत्व दिया जो हमारे अनुकूल है, समाज के अनुकूल है, देश काल और परिस्थिति से अप्रभावित है, वो हमारे लिए पूज्य हो गया। हमने उसे गुरु के रूप में मान्यता देकर के एक महत्व दे दिया। और ये परंपरा, इस तिथि को, कौन सी तिथि को हमें मनाना है जिसने हमें हमारे वैदिक साहित्य के साथ हम सबको सर्वसुलभ करा करके जोड़ा, ऐसे महर्षि वेदव्यास के नाम पर हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन को अपने साथ जोड़ने का काम किया। याद रखना, बहुत बार व्यक्ति मानता है कि मैं चोरी छिपे या लुक छिप करके गलत काम कर भी दो तो कौन मुझे देख रहा है, या उसके भी अपने तरीके होते हैं बोलने के। देखिए, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में मर्यादा को महत्व दिया। हर कार्य की एक लक्ष्मण रेखा उन्होंने तय की। संबंधों का निर्वहन करने का एक जीवन जीने का जो सही तरीका है वह उन्होंने हमें सिखाया। कृष्ण ने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी, लेकिन कर्म भी कैसा, कर्म अक्सर कैसा होता है, हम दो प्रकार के कर्म करते हैं भाई। एक तो हमारा कर्म क्या होता है कि हम हर कार्य को करते हैं तो प्रयास करते हैं कि करो कम लेकिन हाईलाइट ज्यादा हो, लोग उसको ज्यादा महत्व दें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, निष्काम कर्म की बात की, कर्मणे वादिका रस्ते मां भले सु कदाचन। उन्होंने कहा कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल आपको अवश्य मिल जाएगा, बुरा करेंगे बुरा भी मिलेगा। और इसलिए शास्त्र हमेशा इस बात को कहता है, हमारी गुरु परंपरा यही कहती है, अवश्य में ही भोक्तव्यम कृते कर्म चराचरम। जैसा कर्म करोगे उसके फल से कभी वंचित नहीं हो पाओगे। अच्छा बनने का प्रयास जीवन में, सच्चा गुरु वही जो सही मार्ग पर आपको ले चलने के लिए प्रेरित कर सके। महत्व इस बात का नहीं कि आपके पास धन धान्य कितना है, महत्व इस बात का नहीं, अगर आप प्राचीन साहित्य पढ़ेंगे धन धान्य का उसमें उतना महत्व नहीं। समृद्धि अपने प्रयास से, अपनी सार्थक मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, लोक कल्याण के लिए हम जितना अर्जित करें वो अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, गलत मार्ग का अनुसरण करके नहीं। अगर गलत तरीके से हम करते हैं तो उस पाप के कृत्य से हम वंचित नहीं रह पाएंगे। पुण्य कर्म करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, अगर कोई कार्य करते हैं और किसी गरीब का, किसी वंचित का उपकार करते हैं, जीव मात्र की दया के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो उसका लाभ भी किसी न किसी रूप में हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए शास्त्र कहता है कि अवश्य में ही भोक्तव्यम कृते कर्म चराचरम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। गलत करेंगे तो गलत दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, अच्छा करेंगे उसके पुण्य से भी आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और एक गुरु हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की ही प्रेरणा देता है।
हमारा दायित्व तो क्या है? हम अगर एक मनुष्य हैं, मनुष्य के बारे में क्या मान्यता है? मनुष्य के बारे में तो ये मान्यता है कि सृष्टि का सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति में से एक है। अगर सर्वश्रेष्ठ कृति है तो हमें अपने कार्यों के माध्यम से इसे साबित भी करना होगा। अपने कार्यों के माध्यम से इसे साबित करना होगा। आज हो क्या रहा है? मनुष्य अपने कर्मों से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं करना चाहता, वो आधिकारिक धोखेबाज बनना चाहता है, गलत तरीके से अपना करके अधिक से अधिक समृद्धि का मार्ग अपनाना चाहता है, गलत तरीका अपना करके शॉर्टकट का रास्ता अपना करके वह मंजिल में चढ़ना चाहता है। वह कभी उसको आत्मिक संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। कोई भी भारत का शास्त्र इस बात को महत्व नहीं देगा, कोई भी भारत का ऋषि परंपरा इसको कभी महत्व नहीं देगी। और इसलिए हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे लिए जो मेरे लिए अनुकूल हो, शास्त्रों के वचनों का पालन करते हुए, मेरी ऋषि परंपरा के वचनों का पालन करते हुए, भारत के उन अवतारी विभूतियों के वचनों का, उनकी मर्यादाओं का, उनके कर्म का पालन करते हुए हम जो आचरण करें वह मेरे लिए भी अनुकूल हो, मेरे परिवार के लिए भी अनुकूल हो। लेकिन केवल मेरे परिवार के अनुकूल हो और समाज के लिए अनुकूल न हो तो फिर आपका उससे भी उपकार नहीं होने वाला है। हमारा कोई भी कर्म हो जो समाज के लिए अनुकूल होगा, राष्ट्र के लिए अनुकूल होगा, धर्म के लिए अनुकूल होगा, वह आपके लिए भी अनुकूल अवश्य हो जाएगा। और इसीलिए कोई भी कर्म करें, सनातन धर्म की इतनी लंबी परंपरा, इतनी समृद्ध परंपरा, 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास इस धराधाम पे थे, एक लंबे समय तक उन्होंने उस कालखंड में, उन्होंने उस समय कई पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व किया, सभी ग्रंथों को संग्रहित किया, वेदों को, पुराणों को उनका संग्रह करके उसे लिपिबद्ध करके वर्तमान पीढ़ी के लिए उसे अनुकूल बना दिया। 5000 वर्षों के इस इतिहास को आज गुरु पूर्णिमा के रूप में आप इस आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 5000 का इतिहास दुनिया के अंदर कितने लोगों का है? कितने लोगों के पास 5000 वर्षों का अपना इतिहास है? नहीं है। और यह तो कालखंड है कौन सा? द्वापर और कलयुग के संधि काल है ये। उस संधि काल का समय है जब एक तरफ द्वापर का अवसान होता है, कलयुग का प्रारंभ होता है। महाभारत का एक युद्ध होता है और युद्ध के बाद आज भी आप देखते होंगे उस समय महर्षि वेदव्यास ने जो अपना अंतिम पुराण रचा, श्रीमद् भागवत महापुराण, आज भी मोक्ष का, मुक्ति का उससे पवित्र ग्रंथ दूसरा नहीं माना गया। हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, अपनी उस परंपरा के प्रति। भारत की ऋषि परंपरा कभी अपने लिए नहीं जी, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। और इसलिए हम सबका भी दायित्व क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा
जिसने अपना नाम और अपना गोत्र भारत की ऋषि परंपरा के साथ जोड़ करके न देखा हो। कोई ना कोई ऋषि हमारे साथ जुड़ जाता है। जब हम गोत्रों की बात करते हैं तो जाति भेद अपने आप समाप्त हो जाता है। एक ही गोत्र अलग अलग जाति के लोगों के पास भी, क्योंकि हम ऋषि के साथ जुड़ रहे हैं। वह ऋषि परंपरा हमें जाति भेद में नहीं बांटती, छुआछूत और अस्पृश्यता का भेदभाव हमारे बीच में नहीं करती है। और इसी परंपरा हम सबको लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित करती है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि हमारा एक एक कर्म, हमारे जीवन का एक एक क्षण, हमारे जीवन का एक एक पल सनातन धर्म के लिए और अपने देश के लिए, भारत के लिए समर्पित होना चाहिए। अगर हम इस कार्य के साथ जुड़ करके आगे बढ़ते हैं तो सही मायने में हम अपने गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। यही गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता है। किसी भी ऋषि परंपरा ने इन कार्यक्रमों को उसी रूप में आगे बढ़ाया है। याद रखना जो मैंने यहां पहले भी कहा, अच्छा करेंगे तो अच्छा पुण्य भी आपको, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा, कोई उससे वंचित नहीं कर पाएगा। गलत करेंगे उसके पाप से भी कोई आपको वंचित नहीं करेगा। एक छोटी सी कथा आती है ना, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचने वाला जो ऋषि हुआ, उनके बारे में पहले कहते हैं कि पूर्व जन्म में उनके जो कर्म थे वो गलत थे। एक जगह उन्होंने कुछ ऋषियों को बंधक बनाया। ऋषियों ने पूछा, हमें क्यों बंधक बनाना चाहते हो? उन्होंने कहा, भी मेरा कर्म है, मेरा कार्य है ये। तो उन्होंने कहा, इससे जो पाप तुम्हें मिलेगा, इस पाप के लिए कौन कौन जिम्मेदार होंगे? उसने कहा, जिनको मैं खिला रहा हूं सबको। ऋषियों ने कहा कि ठीक है, हमें यहां रोक, हम यहां इंतजार कर रहे हैं, जाओ पूछ करके आओ। ये जो लूटपाट तुम करना चाहते हो कर रहे हो, जो जो तुम्हारे साथ भागीदार बनना चाहते हैं, क्या ये पाप में भागीदार बनना चाहेंगे क्या? ये जो लूट का माल तुम ले जाना चाहते हो, क्या इसके होने वाले पाप के साथ वे भागीदार बनेंगे? तो अपने घर पहुंचता है, अपने परिवार के लोगों से कहता है कि मैं रोज लूटपाट करके पैसा लेके आता हूं, संपत्ति लेके आता हूं, कुछ माल लेके आता हूं, क्या इससे होने वाले पाप के साथ तुम भी वंचित रहो, तुम भी मेरे साथ भागीदार बनोगे? तो उनके स्वयं के परिवार के लोगों ने कहा, पाप तुम करोगे, तुम्हारे पाप के साथ हम क्यों भागीदार बनेंगे? तुम लेके आते हो, हम खाते हैं। तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करके खिलाओ, हम तेरे साथ हाथ बटाएंगे, लेकिन पाप में हाथ नहीं बटा सकते। और तुम्हारे पाप के लिए तुम जिम्मेदार हो। परिवार के लोग भी तो उसके आगे खुली, वो चलाया वापस। ऋषियों को उसने प्रणाम किया और कहा कि मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ। ऋषियों ने मुक्ति का मार्ग बनाया, बताया, और परिणाम क्या हुआ? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचा गया और वह त्रिकालदर्शी ऋषि हुए थे। यह भारत की परंपरा है। याद रखना, पाप करेंगे, पाप में अकेले भागीदार बनेंगे, कोई सहभागी नहीं बनने वाला है। और पुण्य करेंगे, उस पुण्य से कई पीढ़ियां आपके साथ जुड़ करके आपको और आपके यशस्वी जीवन को अपने लिए प्रेरक बताएगी। आज के इस अवसर पर, जब गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, गोरखपीठ गुरु परंपरा की पीठ है, गुरु गोरखनाथ से चली हुई परंपरा, और आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पीठ निरंतर कार्य कर रही है, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। उसी परंपरा के साथ आप सब जुड़े हुए हैं। आप सभी श्रद्धालुओं ने यहां पर एक सप्ताह तक श्री राम कथा का श्रवण किया।
मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं इस दौरान कथा में आ सकूं, मेरी इच्छा थी, लेकिन मैंने जो देखा, मैं कथा के बारे में जानकारी लेता था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन कथा में आते थे, श्रवण करते थे, और यहां पर संत हृदय बालकदास जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का सुनने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ, होता है, हुआ है, इस बार हुआ है। इस क्रम निरंतर चलता रहे। जीवन के कुछ पल तो होने चाहिए जब हम लोग गाली गलौज से ऊपर उठ करके, अन्य कार्यों से ऊपर उठ करके भगवान का नाम जप स्मरण कर सकें, और एक कथा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो कुछ समय, कुछ घंटे अगर हम कथा श्रवण के लिए निकालते हैं तो उससे हमें लाभ ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। आज सबको मैं आज एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद आप सबके साथ है। आप सब अपने जीवन को अपने पुण्य कर्मों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ाएं, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। ओम शांति शांति शांति। हम सभी को परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तजनों के तरफ से प्रणाम। अभी यहाँ पर आरती होगी और सभी भक्तजनों के लिए, और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, संतगण हैं, और जो भी इस सभागार में अथवा बाहर हैं, इन सभी के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है। आप सभी प्रसाद ग्रहण करके जा